काम करती थी, तो इस व्यक्ति ने उसके साथ रेप भी किया, लेकिन इन्होंने शर्म की वजह से नहीं बताया कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो इसलिए अब ये भी एक नया नहीं कहेंगे, जो माँ शर्म की वजह से नहीं बता रही थी वो सारी चीज़ें आ गई खुल करके। दूसरा माँ का कहना है कि जब ये चीज़ नहीं आ रही है कि डेड बॉडी कब की है, बिटिया को मारा कब गया है, या अगर 40 दिन पहले भी मर्डर हुआ और उसको दफना दिया गया तो अभी तक बॉडी डिकम्पोज कैसे नहीं हुई। मैम ये किसने कहा कि 40 दिन पहले मर्डर हुआ? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट अबाउट अब वही तो फैक्ट की बात करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि इतना इन्फ्लुएंसिव, इतना पावरफुल लोग हैं वो लोग, कि जो पैनल बैठ रहा है पोस्टमार्टम करने वाला उसको भी ये लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंगली रिपोर्ट बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो परिवार की ये डिमांड है कि लखनऊ PGI से एक टीम आए और री इन्वेस्टिगेशन जो है पूरा दोबारा से पोस्टमार्टम इसका किया जाए। परिवार के पास में सुविधाएं नहीं हैं कि कैसे करके इनका आगे ये मुकदमा लड़ेंगे, सारी चीज़ वो इनको फैसिलिटी दी जाए, अन्य धाराएं बढ़ाई जाएं। SP साहब से मेरी बात हुई है कि अभी तक जो भी FIR है परिवार के पास उसमें किडनैपिंग तक की धाराएं लगी हुई हैं। जिस दिन बिटिया की 11 तारीख को डेड बॉडी मिली आपने कौन कौन सी धाराएं लगाई, तो वो SP साहब ने मुझे बताया है कि हमने जो है धाराएं 302 बढ़ाई है, 34 बढ़ाई है, IPC 201 बढ़ाई है, ये सारी धाराएं उन्होंने बढ़ाई। मैम एक आपने कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं, आने का मकसद बता दीजिए और इसके बाद आप कौन सा कदम उठाएंगे? हमारा जैसे मैं और बेटियों के लिए लड़ती हूँ, इस बिटिया की माँ को हमने चीखते देखा इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। इनको मैं पूरा सपोर्ट करूँगी, लीगल इनकी हेल्प करूँगी, क्योंकि जितना मेरे हाथ में है मैं एक एडवोकेट हूँ, इनकी बिटिया को न्याय दिलाने की कोशिश करूँगी। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से इन्होंने इस बिटिया के साथ अत्याचार करके उसको दफना दिया मर्डर करके, इन लोगों को भी मैं हैंग कराऊँ। यानी दीमा कुशवाहा ये उन्नाव का केस लड़ने जा रही हैं? बिल्कुल, मैं सपोर्ट करूँगी। यहाँ पर जो लोकल हमारे काउंसिल होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो प्रोविजन है कि विदाउट लोकल काउंसिल हम खड़े नहीं हो सकते, मैं दिल्ली में वकालत करती हूँ, मैं इस केस को हैंडल करूँ। मैंने एक बड़ा आरोप लगाया कि माँ के संग भी अभद्रता करी थी, क्या ये कप्तान साहब से बताया? बिल्कुल सही बात है, माँ का ये कहना, क्या क्या बताया गया ये माँ खुद बता देंगी। आप बता दीजिए आपके साथ अभद्रता की थी जी? अभद्रता मतलब आपको यहाँ से निकाला गया था? SP साहब मिलने आते थे, हमें मैडम थी कहती थी कि यहाँ से जाओ, क्या चक्कर लगाने से आपकी लड़की मिल जाएगी, आपकी लड़की बालिक है भाग गई होगी, क्यों रजोल सिंह के ऊपर आरोप लगा रही। लेकिन अब रजोल सिंह मार के गाड़ दिया, अब नहीं किसी के समझ में आ रहा मैं झूठ आरोप लगा रही थी, अगर पुलिस प्रशासन मेरा सुन लेती तो मेरी लड़की आजकल मेरे पास जिंदा होती।